Hi students, question number 5th, statistics practice set 6.1. Frequency distribution of fund collected by 120 worker in a company for a third route. Affected people are given in the following table. Find the mean of the fund by step deviation method. अब पहले हमें ये देखना है, सबसे पहले हमने जो मेथड देखे थे उससे हमने डायरेक्ट मेथड देखे थे, तो डायरेक्ट मेथड के बाद में हमने अज्यूमिंग मेथड लिए थे. क्यों अज्यूमिंग मेथड यूज किया हमने? अज्यूमिंग मेथड इस वजह से हमने यूज किए कि डायरेक्ट मेथड की डायरेक्ट मेथड में जो क्लास मार थी या जो उसकी वैल्यू थी वो बहुत बड़ी थी, इसलिए जब डायरेक्ट मेथड के अंदर जो क्लास मार्क की वैल्यू या उसकी वैल्यू बड़ी आती है तब हम अज्यूमिंग मेथड यूज करते हैं उसको छोटा करने के लिए. जब अज्यूमिंग मेथड के बाद में हमने यूज किए, अगर देखे जाए तो अज्यूमिंग मेथड में वैल्यू अगर ज्यादा बढ़ती तो हम डिवीजन मेथड यूज करते हैं. अगर मान लो डिवीजन मेथड में भी वैल्यू बड़ी आ जाती है तो उसे छोटा करने के लिए हम स्टेप डिवीजन मेथड को यूज करते हैं. तो इससे पता लग गया हम स्टेप डिवीजन मेथड यूज करेंगे. चलिए अब जो हमें दिया गया है उसको हम सबसे पहले राइट करते हैं. तो मैं सबसे पहले इसमें वैल्यू फिलअप कर डालता हूँ. जो क्लास फंड में हम क्या राइट, मैं क्या कह रहा हूँ 0 to 500 मैं यहाँ पर राइट करूंगा. मैं पहले थोड़ा राइट करता हूँ, बाद में फिर उसे मैं पॉज करके फिर आपको बताता हूँ. ठीक है डियर फ्रेंड, देखिए मैंने यहाँ पर ये राइट कर चुका हूँ. मैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वैल्यू मैं राइट कर चुका हूँ यहाँ पर, और इसकी भी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैं राइट कर चुका हूँ. तो अब चलिए क्लास मार्क को हम निकालते हैं. तो क्लास मार्क निकालने के लिए हमारे पास में सबसे बेस्ट क्या है, यानी हम क्या करते हैं क्लास मार्क निकालने के लिए 500 प्लस 0 500 तो उसके हफ कर देते हैं हम, तो कितना हो गया 250. कितना हो गया 250. 1500 के होता है 1500, इसके हो गए 750. ये 2500 तो ये हो जाएंगे इसके हाफ 1250. ओके ये हो जाएंगे 3500 तो इसके हो जाएंगे 1750 और इसके 4500 इसको हो जाएंगे 2250 मैं फिर से राइट करता हूँ. चलिए आप इसके बाद में हम डिवीजन निकाल लेते हैं. तो सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं. तो मैं इसके बीच की जो वैल्यू है इसे अज्यूम कर लेता हूँ. ठीक है मैं इसे अज्यूम कर लेता हूँ 1250. तो चलिए अब मैं राइट करता हूँ 1250 में से हम फिर से डिवीजन का फॉर्मूला यहाँ पर राइट किया हुआ है. ये 1250 में से हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए मैंने ऊपर राइट किया हुआ है, यानी एक्स आई कितना है 250 माइनस 1250. अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो हमारे पास में कितना बचेगा माइनस 1000. तो चलिए 750 को माइनस 1250 में से माइनस करते हैं तो वो बचेगा 500 और 1250 को 1250 में तो ये जीरो आ जाएगा और ये आ जाएगा 500 प्लस में से माइनस जब हम करेंगे, आपको समझ में आ रहा है ना ये, और इसमें आ जाएगा 1000. ये देखिए फार्मूला यहाँ पर है, एक्स की कीमत पुट करनी है और ये इसमें से माइनस करना है. चलिए आप ये यू आई और डी आई जी, अब इसमें सबसे पहले हमें ये देखना है, कि इसमें ग्रेटेस्ट डिविजर कौन था, यानी इसको सबसे ग्रेटेस्ट. तो मैं 500 को ले लेता हूँ. किसे ले लेता हूँ मैं 500 को ले लेता हूँ. यानी तो फिर यू आई हमारे पास में क्या निकलेगा, यू आई का फॉर्मूला क्या समझा, यू आई इज इक्वल टू डी आई. डी आई कितना है हमारे पास में, मान लो माइनस 1000 है. तो ऐसा मैं यहाँ पर राइट करता हूँ, देखिए यू आई निकाल लेते और डी आई अपॉन जी ग्रेटेस्ट डिविजर. तो यू आई इज इक्वल टू पहले इसको ले ले माइनस 1000 डिवाइडेड बाय 500. तो ये कितना जाएगा 2. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं माइनस 2. तो अब 500 माइनस 1 ये आ जाएगा 0 और 500 ये 1 आ जाएगा और ये 2. तो ये आपको समझ में आ गया कि मैंने किस तरह इसको सॉल्व किया. मैं इसे इरेज कर देता हूँ. हम एक वैल्यू पुट निकाल लिए यहाँ पर और अब एफ आई इंटू यू आई, इनका मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें करना है एफ आई इंटू यू आई. तो ये कितना जाएगा 28 ये 0 आ जाएगा, यस ये 15 आ जाएगा और ये 20 आ जाएगा. अगर हम इनकी एडिशन करते हैं, तो अगर आप देखेंगे 15 ये 20
70 और 28 में से अगर हम करते हैं, तो मैं इधर साइड में कर रहा हूँ, तो इसकी जो एडिशन आई है मेरे ख्याल से माइनस 63। तो इस तरह हमने वैल्यू हमने पुट कर दिए। अब चलिए इसको थोड़ा हम डिटेल में थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो यहाँ पर मिल चुका है उसको राइट करते हैं हम, जो सिग्मा एफ आई मिल चुका है हमें, कितना इनकी एडिशन करने की रह गई फ्रीक्वेंसी की, सॉरी। तो फ्रीक्वेंसी की एडिशन 20, 25 120। तो एफ आई कितना आ चुका है हमारे 120। उसके बाद में सिग्मा एफ आई यू आई इसका आ गया था -63। तो हम स्टेप ड्यूरेशन मेथड देख रहे हैं, तो हम स्टेप ड्यूरेशन मेथड के लिए हम यूज करेंगे यू, वैल्यू हमने ले ली डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के लिए, उसमें लिखेंगे सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एफ आई, सिग्मा एफ आई भी लिखे तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कितनी वैल्यू निकली हमारी है, देखिए मैं यहां पर राइट करता हूं -63 और एफ आई कितना है हमारे उसमें 120। तो अगर इनको हम डिवाइड करते हैं, तो मैं साइड में कर लेता हूँ डिवीजन, आप भी कर लीजिए, तो आएगा -0.5225। ये यू हमें मिल चुका है, ठीक है, ये यू हमें मिल चुका है। अब हमें देखना है जो हमें सॉल्व करना था, मीन निकालना है हमें स्टेप डिवीजन मेथड से, मीन निकालना है। तो हम मीन के लिए यूज करते हैं एक्स बार, तो अज्यूम प्लस और ये यू जी, यू बार इंटू जी। तो अज्यूम हमने कितना किए थे 1250, करेक्ट, प्लस यू कितना निकाली अभी हमने, अभी आपके सामने -0.5225 और ये ब्रैकेट कंप्लीट करता हूँ इंटू जी, हमें ग्रेटेस्ट डिविजर कितना लिए थे जी, हवर में यहाँ राइट कर देता हूँ, मैंने जी राइट किए थे हमने 500, ठीक है, मैं आपको पता है मैंने यहाँ पर देखो ये किया था अंडरलाइन, तो इनटू हम यहाँ कर देंगे 500। तो सिंपली इसको सॉल्व करते 1250 प्लस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास में इनका ही मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो सिंपली इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 262.50। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं 1250 माइनस 262.5 थोड़ा साइड में कर लीजिए, तो इसका आ जाएगा 987.50। तो सिंपली द मीन ऑफ द फंड कितना आएगा हमारे पास में, कितना आएगा। अगर हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।